आज हम बना रहे हैं नॉर्थ इंडियन सोया कीमा मसाला, जिसे हम सर्व करेंगे पाव के साथ। चलिए बनाते हैं। सोया नगेट्स का चूरा है ये, हम ले रहे हैं 150 ग्राम और इसे सोक कर देंगे और अच्छे तरीके से हाथ से रगड़ लीजिएगा। अब इसे छान लेंगे। ये पानी हमें फेंक देना है। साफ़ करने के बाद हम इसमें डाल देंगे गर्म पानी, और गर्म पानी इतना डालेंगे जिसमें सोया नगेट का जो ये चूरा है वो अच्छे तरीके से डूब जाए। चलिए एक लगन में लेंगे तेल 100 ml के आसपास। तेल हमारा गर्म हो गया, मैं डाल रहा हूँ 4 इलायची हाथ से खोल के 4 लौंग। अब हम मिला रहे हैं 200 ग्राम कटा हुआ प्याज और अच्छे से भूनेंगे, और तब तक भूनना है जब तक प्याज हमारा लाइट ब्राउन ना हो जाए। प्याज का कलर चेंज होने लग गया है, धीरे धीरे ये लाइट ब्राउन की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे हम मिला देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये हम ले रहे हैं 1.5 चम्मच। अब इसे प्याज के साथ में ब्राउन करेंगे। अब एक बाउल में हम लेंगे देगी मिर्च पाउडर, ये हम ले रहे हैं 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/4। मिलाते हैं पानी और बनाते हैं इसका एक घोल। अब हम घोल को मिला देंगे और लगन में डालने के बाद अच्छे तरीके से चला लीजिए। 4 से 5 मिनट भुनने के बाद यहाँ पे हम मिला देंगे 200 ग्राम चॉप किया हुआ टमाटर। यहाँ पे एक बात पते की है, मैं आपको बता दूँ कि इसे ही बोला जाता है होटल और रेस्टोरेंट में चॉप मसाला, यानी ओनियन टोमेटो मसाला, जो कि बना के रख लिया जाता है। और इस ग्रेवी से, इस मसाले से बहुत सारी आइटमें तैयार की जाती हैं। अगर आप इसे घर में बनाते हैं तो करना क्या है, सेम क्वांटिटी लीजिए, लेकिन जो मैंने मसाले डाले हैं, जैसे मैंने हल्दी धनिया जीरा डाला है, उसे हाफ से भी कम कर लीजिए थोड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने तो सोया के लिए डाला है। मैं ये जो बना रहा हूँ, मैं सोया के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप इन मसालों को चॉप मसाले के तौर पे बना के फ्रिज में रखना चाहते हैं 2 से 3 दिन के इस्तेमाल करने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा हल्दी धनिया और लाल मिर्च कम डालिएगा। ये देखिए, इसी तरह का होता है चॉप मसाला, इसे अच्छे से भून के रख लिया जाता है। अब हम मिला देंगे सोया, जिसे हमने गर्म पानी में सोक करके रखा था। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसे भूनते हैं। और यहाँ पे कीमा मसालों के साथ और टमाटर और प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून गया है। अब यहाँ पे मैं मिलाऊंगा मखनी ग्रेवी, और मखनी ग्रेवी हमने अपने चैनल पे कई बार पोस्ट की है, आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज यह हर घर में एक कॉमन ग्रेवी है जो कि बनाई जाती है, तो सबको पता है कि मखनी ग्रेवी प्याज काजू और टमाटर के साथ बनता है। तो ये हम मिलाएंगे 3 चम्मच, 30 ग्राम काजू, 1 चम्मच मगज, 1 चम्मच खसखस, 1 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, और ऊपर से हम डालेंगे पानी। अब बनाते हैं इसका एक फाइन पेस्ट। पेस्ट बनके तैयार है। और इस डिश की जो खूबी है, हम बना रहे हैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल, वो यहाँ पे है। ये जो हमने कोकोनट, खसखस, मगज और काजू का पेस्ट बनाया है, स्वाद यहाँ पे छिपा हुआ है। सो हम बोल सकते हैं यह एक रिच डिश है, और थोड़ा सा हल्का कॉस्टली, लेकिन एकदम स्वादिष्ट। और ये देखिए कीमा कितना प्यारा अच्छे तरीके से भुना जा रहा है। अब यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स डलेगा, यहाँ से इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए डलेगा, इस डिश को मज़ेदार बनाएगा। तो हम ऊपर से डाल रहे हैं चॉप किया हुआ प्याज, 60 से 70 ग्राम डालिए, कटी हुई हरी मिर्च, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, कसूरी मेथी 1/2 छोटा चम्मच, 2 चुटकी गरम मसाला, कटा हुआ पुदीना, यह बहुत ज़रूरी है, 1 पिंच शुगर। देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हैं, सबका एक अपना स्थान है, सबकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। अब डलेगा बटर, काला नमक, स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक। अब अच्छे तरीके से भूनेंगे, और ये जो नीचे लग रहा है पेंदे में, उसे खरोच लेंगे, स्वाद वहाँ पे भी है। और हमारा कीमा बनके तैयार है, सर्व करते हैं, जिसे हम सर्व कर रहे हैं पाव के साथ, ऊपर से बटर और साथ में ग्रीन चिली। सोया कीमा पाव की ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी है, बनाइए, हमारे चैनल को बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हम आपके लिए अलग अलग रेसिपियाँ लेके आते रहेंगे। और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपके मन में आया हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से अश्वनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।